मुजफ्फरनगर के कचहरी प्रांगण स्थित डीएम कार्यालय में एनआईसी विभाग में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुजफ्फरनगर की 222 स्वयंसेवी सहायता समूह की संस्थाओं को स्टार्टअप फंड वीआरएस एससीआईएफ फंड में 58,18,000 रुपए का अनुदान उनके खातों में ट्रांसफर कराया। वहीं स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाओं ने इसके लिए उनका आभार जताया है। नवभारत समाचार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से विशाल पवन की रिपोर्ट। उठाया है ये कार्यक्रम अगर सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाता है तो ये अपने आप में देश के लिए एक मानक होगा। दूसरा, समय पर कुपोषित महिलाओं को, बच्चों को उनका पोषाहार उपलब्ध हो जाए और वे उसका सेवन करने लग जाए, इसके बारे में जागरूकता का एक विशाल कार्यक्रम आगे बढ़ा दें। फूल की खेती करते हैं, पुष्प की खेती करते हैं, लेकिन पुष्प जब तक पौधे से तोड़ा नहीं जाता है तब तक स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इन सबको नियंत्रण करने में भी हमें बहुत मदद मिलेगी। इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। स्कूली बच्चों के ड्रेस निर्माण के लिए भी बहुत सारे जनपदों ने अच्छा काम किया, खासतौर पर प्रयागराज में 17,000 ड्रेस एक महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा बनाया जाना। जी, आपका नाम? मेरा नाम सीखा है। सीखा जी, क्या करती है आप? मैं समोसा की हूँ। हाँ। समूह से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। कौन से समूह से जुड़ी हुई है? मेरे समूह का नाम गायत्री स्वयं सहायता समूह है। हाँ। क्या 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 काम होता है उसके अंदर? सिलाई का, हमने सिलाई का काम भी किया है। मैं हैंडग्राफ्ट काम करवा रही हूँ, हाथों से, मतलब धागे का। और अभी हमारे उसमें आरएफ 15,000 का आरएफ हुआ है और सीसीएल हुई है 1,10,000 की। ये मुख्यमंत्री ने हमारे खाते में कल आ जाएंगे। मतलब ये सहायता राशि आपको मुख्यमंत्री के द्वारा मिली है? हाँ जी, मुख्यमंत्री के द्वारा कल हमारे खाते में आ जाएंगे। कितने लोग आपके समूह में काम करती हैं? मेरे समूह में 11 सदस्य हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत ही। क्या संदेश देना चाहते हो और लोगों को आप? जी, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ समूह में जुड़ें और जिनके अधूरे सपने थे वे समूह से जुड़ के अपने सपने पूरा करें और अच्छा लगता है स्वावलंबी बने। किस तरह का फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपका नाम? जय सिंह यादव। मैं परियोजना निदेशक और उपायुक्त जो है राष्ट्रीय आजीविका मिशन मुजफ्फरनगर। सर, आज एक मुख्यमंत्री की वीसी हुई है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत आज जो है समूह को पूरे प्रदेश में जो है CIF RF और स्टार्टअप की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है हस्तांतरित की गई है, जिसमें अपने मुजफ्फरनगर जनपद में 58,18,000 रुपये इसके हस्तांतरित हुए हैं। कितने समूह हैं सर? समूह जो है 225 समूह हैं जी। ये राशि जो सहायता राशि है मुख्यमंत्री जी के करकमलों से मिली है? हाँ, करकमलों से आज हस्तांतरित। क्या क्या काम लेते हैं सर इन समूह से? अब समूह जो है विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। एक तो जैसे समूह सिलाई के काम कर रहे हैं। हमारे समूह जो है इसमें जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण का काम कर रहे हैं, ड्राई राशन के वितरण काम कर रहे हैं। और हमने COVID-19 के अंतर्गत जब अभियान चला था तो हमारे समूह द्वारा मास्क सिले गए और जो है सैनिटाइजर भी इनके द्वारा बनाया गया था। बाकी ग्रामों में विभिन्न प्रकार की समूह अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं और जो है अभी जो स्कूलों में ड्रेस वितरण किया गया है बच्चों को, उसमें हमारे जनपद के सभी समूहों ने ड्रेस सिल करके जो है स्कूलों को वितरित किया है।